हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ एनिमेश। मैं हूँ अभी बोधगया बिहार में। आपको लग रहा होगा मैं हाफ क्यों रहा हूँ, एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता, बट अगर आप बोधगया आते हो बिहार में तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा एक ट्रैक भी है, और ये ट्रैक है ब्रह्म योनी पहाड़ में। सबसे ऊपर जाके ब्रह्म योनी मंदिर मिलता है, लेकिन पहाड़ पर जाने के लिए आपको कम से कम 450 काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता एकदम सीधा है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन सीढ़ियों का जो साइज़ है, एक एक सीढ़ी अपने आपके घुटने के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ 450 सीढ़ियाँ हैं, तो कम से कम मान के चलो 1000 सीढ़ियों के बराबर है। और लेकिन एक चीज़ है कि जंगल का रास्ता है, जंगल के बीचों बीच से होके गुजरता है, तो यू गेट अ वेरी गुड व्यू। मैंने एक्चुअली ट्रैक अप आई एम एक्चुअली हाफ वे ऑन द वे टू माई ट्रैक। मेरे बाएं तरफ मुझे मंदिर का शिखर दिख रहा है, आधा रास्ता चढ़ने पड़ी। यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गया सिटी। दूर मुझे फल्गु नदी भी नज़र आ रहा है, एंड आधा रास्ता अभी भी बचा हुआ है। सो लेट्स हरी अप। एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो, अवॉइड दी स्मॉल कट्स। एक बीच में छोटा सा कट आता है जंगल की तरफ, यह एक्चुअली मंदिर का रास्ता नहीं है। This could have been made for adventure, so you have to stick to the stairway। सीढ़ियों पर चलते जाओ, सीधे आपको मंदिर तक ले जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, व्यू उतना ही सुंदर होता चल जाता है। मुझे गया के रेलवे स्टेशन दिख रहा है, फल्गु नदी और साफ दिख रही है, और आई थिंक दिस हिल टॉप इज़ द हाइएस्ट इन गया, क्योंकि मुझे आसपास के 3-4 और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं। इनफैक्ट एकदम लास्ट पॉइंट पे जब आप चढ़ने लगते हो, द स्टेप्स या फिर जो स्टेयर्स हैं, दे एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग मोर स्टीपर। चढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बट आई एम गेसिंग दीज आर द फाइनल स्टेप्स। सो फाइनली आई हैव रीच माई डेस्टिनेशन, ब्रह्मयोनी मंदिर, गया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इनफैक्ट मेरे पीछे अगर आप देख रहे होगे, फल्गु नदी, आई डोंट नो अगर क्लियरली विजिबल है, दूर से फल्गु नदी दिख रहा है। ऊपर में फल्गु नदी के ऊपर जो ब्रिज है, वो भी मुझे साफ साफ दिख रहा है। एज ए गेस्ट, ये गया का सबसे ऊँचा पहाड़ है। मेरे आस पास इस तरफ बाएँ तरफ कम से कम 3-4 छोटे छोटे हिलॉक्स पहाड़ मुझे दिख रहे हैं। अगर आप गया आते हो या बोधगया आते हो, तो बोधगया से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर ब्रह्म योनी मंदिर, यू हैव टू ट्रैक टू क्लाइम अप टू द टॉप ऑफ द हिल। और मेरे पीछे ब्रह्म योनी मंदिर है। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, और पीछे में ही ऑल्सो गेट्स ए ईगल्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। सो विद दिस ईगल्स आई व्यू इन दिस रिलीजियस सिटी ऑफ बोधगया बिहार, अगर आप यहाँ आते हो तो ये जगह आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। थोड़ा सा टफ है, सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं। 450 अगर कहूँ तो, रियल मायने में अगर कहें तो 1000 सीढ़ियों के आसपास है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, चैनल के साथ जुड़ते रहे। वीडियोस अगर अच्छे लगते तो सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।